हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और आपने झटपट से कुछ बनाना है उनके लिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए रेसिपी है। आप कोई स्वीट डिश रखना चाहते हैं तो ये झटपट से तैयार हो जाती है। ये बहुत ही खाने में भी डिलीशियस है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने ली है फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो अमूल की भी ले सकते हो। अब इसको सबसे पहले बीट करेंगे। बस थोड़ी देर ही करना है, ज्यादा देर नहीं करना, नहीं तो इसका मक्खन निकल आता है। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, अब इसमें चीनी डालते हैं। ये मैं चीनी डाल रही हूँ, 4 पीसी हुई चीनी है और ये 4 चम्मच के आसपास है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको मीठा जिस हिसाब से पसंद है वैसे डाल सकते हैं। अब इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। अब इसमें डालते हैं फ्रूट्स। इसमें मैं जो फ्रूट डाल रही हूँ वो है मैंगो, एप्पल, बनाना और पोमग्रेनेट। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी फल ले सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रीम में डालते हैं। ये फ्रूट्स आपको तभी डालने हैं जब आप सर्व करने वाले हैं, क्योंकि फ्रूट्स थोड़ी देर बाद फिर थोड़े से कालेपन में आ जाते हैं, बड़े बड़े, इसलिए जिस टाइम आप खाने बैठो उसी टाइम डालो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू कटे हुए, थोड़े से बादाम, ये देखिए मैंने ये बोल में डाला है। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करते हैं, थोड़े से काजू, बादाम, थोड़े से चॉको चिप्स डाल रही मैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो। टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ थोड़ी सी मैं। अब डाल रही इसमें मैं थोड़े से कटे हुए आम, थोड़ा सा अनार, अनार के 2-3 दाने। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हर्षी। आपके पास हर्षी नहीं हो, कोई भी चॉकलेट सिरप हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो। ये देखिए फ्रूट क्रीम तैयार है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।